मधुबनी जिला के बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत लदनियों प्रखंड के मोतनाजी ग्राम में पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी में अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी जिला के लदनियों प्रखंड के मोतनाजी ग्राम में पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कपिल देव कामत की समाधि पर भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कपिल देव कामत के परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मुझे आज यहाँ आप सबके बीच आने का मौका मिला है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय कपिल देव कामत जी पंचायती राज मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने अपने विभाग के लिए अच्छा काम किया था। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं, जो इस क्षेत्र के हैं। उन्होंने स्वर्गीय कपिल देव कामत जी के बारे में कई पुरानी बातें विस्तार पूर्वक बताई हैं। स्वर्गीय कपिल देव कामत जी हमसे क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा मिलते रहते थे। वर्ष 2020 में कपिल देव कामत जी का निधन हो गया था। इसका मुझे काफी दुख है। उनकी मूर्ति का अनावरण पहले ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस क्षेत्र से उनकी पुत्र मीना कामत विधायक हैं और वे भी अपने क्षेत्र के विकास में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा इस क्षेत्र से पुराना लगाव है। हम हमेशा यहाँ आते रहते हैं। इसी क्षेत्र के रहने वाले संजय कुमार झा जी को जल संसाधन विभाग का जिम्मा दिया है। इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से बचाव को लेकर सारा काम किया जा रहा है और जो कुछ भी बचा हुआ काम है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मधुबनी जिला का विशेष महत्व है। ये नेपाल देश से सटा हुआ है। यहाँ विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। हमसे जो भी संभव होगा इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग पूरे बिहार में विकास के काम में लगे हुए हैं। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहें, आपस में झगड़ा न करें, सभी एकजुट होकर काम करें ताकि विकास का सही लाभ लोगों को मिले। स्वर्गीय कपिल देव कामत जी से हमारी पुरानी मित्रता थी, उनसे गहरा लगाव था। आपस में सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहे, यही स्वर्गीय कपिल देव कामत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कपिल देव कामत जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित की। विधायक मीना कामत ने मुख्यमंत्री को मखाने की माला, मिथिला पेंटिंग, पाक और रंग वस्त्र भेंटकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम को वाणिज्यिक एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह मधुबनी जिला की प्रभारी मंत्री लेशी सिंह, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, स्वर्गीय कपिल देव कामत की पुत्र एवं विधायक मीना कामत, पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री ललित कुमार यादव, पूर्व मंत्री राम लखन रमन, केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा, हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर, विधायक रामविलास कामत, जमुई के विधायक श्रेया सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, स्वर्गीय कपिल देव कामत के पुत्र आनंद कुमार, रमन कुमार एवं अन्य परिजन, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार जयनगर, डीएसपी विप्लव कुमार, एसडीओ बेबी कुमारी लदनिया, बीटीओ अखिलेश्वर कुमार, जिलाधिकारी निशी नंदन, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी गण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिला अंतर्गत खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी ग्राम पहुए जी और वहां अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा के प्रति विकास बिहार की जनता के कल्याण के लिए प्रतिक्षण चिंतनशील नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर राष्ट्रीय स्थिति पर बिहार की पहचान को समाप्त करने वाले विशिष्ट पहचान दिलाने वाले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
भाजपा का अनावरण हुआ। अब उनके साथ हमारे मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय विजय कुमार चौधरी वित्त एवं वाणिज्य कर पुष्पांजलि, उससे पहले श्री मंत्री शीला मंडल जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय मंत्री पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी पुष्पांजलि, माननीय मंत्री एसी सिंह जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय विधायक श्रीमती मीना कामत जी पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। स्वागत का आदा बढ़े माननीय मुख्यमंत्री जी के अखन स्वागत कल गए। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विधान पार्षद श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी का सम्मान, लेकिन हमारे जनता जनार्दन के कर्तव्य जो थपड़ी बाजब चाहिए। जय हो। माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य एवं कर श्री विजय कुमार चौधरी जी के पाद डॉक्टर मखान गुमाला। जय हो। थपड़ी में कमी नहीं हो चाहिए सर, थपड़ी। अब माननीय मंत्री जल संसाधन श्री संजय कुमार झा जी सम्मान सेवा 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 से
मिठास बात में रहे छे और बड़ा आदमीय ढंग से सबसे बात करे छे क्षेत्रों का विकास के लग माननीय मुख्यमंत्री जी से तो व्यक्तिगत रूप से हम सब हर चुनावों प्रचार में और क्या बेर कार्यक्रम में बाबू बन ही आयल रही और मुख्यमंत्री जी तो शुरू के समय से समता पार्टी के समय से खास कर के झंझारपुर के अ बेल्ट में मुख्यमंत्री जी के एनाय गेने रहे शुरुआती दौर से हम सब तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बैठे हुए हैं नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ से नेपाल बॉर्डर कितना 2 मिनट का रास्ता होगा 5 मिनट का बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करे छे और मीना कामत जी एतो से पहिल बेर विधायक होकर मुख्यमंत्री जी का कृपा से टिकट भेटल तकर बाद अहाँ सबका आशीर्वाद से जीत और जरूर एतो सेवा करते रहें मिथिला से मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर से लगाव रहें हैं और कल अहाँ सब देखने पे चर्चा एहि दुआरे कह रहल छी जे बहुत लोग दरभंगा मधुबनी के सिमरिया घाट जाए छी कल मुख्यमंत्री जी अपने सिमरिया घाट जाकर ओतो जतेक काज करबाक छै सब इंस्ट्रक्शन ओतो दऽ कलखिन हँ केना घाट बनते केना काज हेतै ई जाकर ओतो देख कलखिन हँ तो हम मिथिला के धरती पर मधुबनी के धरती पर अपन नेता मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें अपन बात समाप्त करै छी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी आदरणीय नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री हम सबके अभिभावक आदरणीय विजय चौधरी जी माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय मंत्री संजय झा जी माननीय मंत्री शीला मंडल जी और जिनके द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आदरणीय बहन मीना कामत जी माननीय विधायक की बात हो आज देखिए जो समाज सुधार आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया जिसकी वजह से आज महिला लड़कियों की भागीदारी में जो पहले लड़की इंटर पास करते करते विवाहित हो जाती थी कम समय में विवाह हो जाता अभी 25% लोग की संख्या बढ़ी है पहले पिछले साल कितना उसका परसेंटेज था इस समय कितना बढ़ा है तो ये सब एक एक काम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं वो आम जन के लिए होता है सभी के हित के लिए तो है यहाँ पे सब लोग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय रमन कुमार जी और आनंद कुमार जी और उनके परिवार के सभी यहां उपस्थित सदस्यगण और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री संजय झा जी माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और यहां पर उपस्थित हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती लेसी सिंह यहां के जो प्रभारी मंत्री हैं और श्रीमती शीला कुमारी जी माननीय मंत्री परिवहन विभाग और हमारे बहुत ही पुराने साथी पूर्व मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी माननीय विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी माननीय विधायक श्रीमती सुश्री श्रेयसी सिंह जी माननीय विधायक श्री सुधांशु शेखर जी माननीय विधायक रामविलास कामत जी यहां उपस्थित सभी अन्य
नेतागण, विभिन्न पार्टियों के सभी सम्मानित नेतागण और यहां इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे दरभंगा के कमिश्नर श्री मनीष कुमार जी और मधुबनी के डीएम श्री अरविंद कुमार जी और मधुबनी के एसपी श्री सुशील कुमार जी। यहां पर सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज यहां आने का मौका मिला। अब सच पूछिए, कपिलदेव कामत जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे और अभी रामप्रीत पासवान जी ने उनके बारे में चर्चा कर दी। रामप्रीत पासवान जी से तो हम लोगों का और भी पुराना संबंध है। जब बना था समता पार्टी तो उस समय 95 में ये हम ही लोगों के साथ थे और यहां पर भी चुनाव लड़वाए थे इनको, यहां समय भी। और लेकिन ये इसके बाद भी अभी मंत्री भी थे, बहुत अच्छे ढंग से ये काम करते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और आज इन्होंने जो पूरी बातें स्वर्गीय कपिलदेव कामत जी के बारे में बता दिया कि 5 में किस तरह से दोनों बैठ करके बातें थे, बात करते थे, और इन्होंने जब पूरी चर्चा कर दी कि किस तरह से यहां पर सब जगह जाकर के चर्चा करते थे, तो वो सब बात तो है ही और आप सब लोगों को मालूम भी है, और जो भी करना है वो तो करना ही है, किया है किया है, आगे जो भी संभव है करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो है, अब स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये सारी बातें बोल गए हैं कि वो कैसे थे, समाज में के लिए वो क्या क्या फील करते थे, क्या सोचते थे। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनको बुलाए और अपने ससुर जी का मूर्ति का अनावरण हम उनके हाथों से करवाए, तो समाज में अपने आने वाले पीढ़ी को ये एक मैसेज जाए कि हमारे पूर्वज हमारे समाज के लिए कितने प्रेरणा है, कितने काम करते हैं, वो आने वाले पीढ़ी उनसे कुछ सीख। यही सारी चीज सोच के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर मूर्ति का स्थापना किए, जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी समाज के हित में, जो समाज से दुनिया बनती है, दुनिया न बनके समाज प्रतिनिधित्व करती हैं। और आपके मुख्यमंत्री ही 50% आरक्षण देने के बाद महिलाओं को काफी राजनीति में आगे बढ़ाया गया, तो क्या लग रहा है अभी, जैसे सीएम खुद आज आपके इस इलाके में आए थे, इससे क्या महिलाओं में कैसा उत्साह है? अब तो देख ही रहे नजारा, अभी भी कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए तो देखिए नजारा क्या है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के जी, चाहे किसी भी पार्टी की बात नहीं है, वो जितने बिहार के लिए काम किए हैं, ऐसा महापुरुष होना अब जल्दी हम लोगों को नसीब में नहीं होगा। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही समाज के लिए करते रहें। और खासे महिलाओं की बात देखिए, यहाँ पर 3-3 महिलाएं जो है MLA खड़ी है आपके सामने में, वो सारे जो हम लोग समाज के लिए शिक्षित हुए हैं, वही शिक्षित नीतीश कुमार जी आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमें चंपारण की धरती से यहाँ पर बुलाकर हम सबों को इतना सम्मानित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, का आयोजन किया। चंपारण की धरती की ओर से आप सबों को प्रणाम करती हूँ। और यह आयोजन बहुत बड़ी सीख देता है कि चाहे प्रेम और भाईचारे के साथ रहिएगा ना, ठीक से काम करिएगा ना, हाथ जाके बता दीजिए।
चलिए, और यही सही मायने में कपिल देव कामत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर सब मिलकर के एकजुट होकर के काम करिएगा तो वही होगा। तो मैं तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी और बहुत हम उनकी इज्जत करते थे, तो अब आज इनको आने का मौका मुझको मिला है, आ गए हम आपके बीच में। लेकिन अब तो धीरे धीरे, अभी कोरोना फोरोना को अब याद रखने का जरूरत अब कितना दिन तक रहेगा छोड़िए, इसलिए सब जगह घूमते रहेंगे हम लोग और सब जगह के काम को देखते रहेंगे। यही आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कपिल देव कामत जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ, आप सब लोगों के प्रति भी।